करता है ये सब लोग आप जानते होंगे। तो सारी साइड्स इक्वल हैं, यूनिक प्रॉपर्टी, डायगोनल्स परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये साइड, ये हमने ए बी सी डी रोम्बस ले लिया अपना, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो डायगोनल्स जो परपेंडिकुलर होते हैं यानी ए सी और बी डी जो इसके परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं, अगर हम ए सी की लेंथ को डी वन ले लें और बी डी की लेंथ को डी टू ले लें। देखो ए सी को हमने डी वन ले लिया और बी डी को हमने डी टू ले लिया, तो होता क्या है, क्योंकि इस चार आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, चार ट्राइंगल्स में से अगर मैं इस एक बड़े ट्राइंगल को उठा लूं तो ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। तो अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो अपने आप ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हो जाएगी, बाइसेक्ट करेगा। अगर ये चीज, ये प्रॉपर्टी मैंने कभी आपको नहीं बताई है तो अब सीख लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो उसका परपेंडिकुलर आप डालोगे ऑपोजिट साइड पे, तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में, क्योंकि ये दोनों हमने अगर बराबर ले लिया, ये अपनी साइड कॉमन ले ली और ये 90 डिग्री ले लिया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देगा, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इसका परपेंडिकुलर होता है वही इसका मीडियन भी होता है, जो इसका मीडियन होता है वही इसका परपेंडिकुलर भी होता है। यानी इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आप कह सकते हो कि गंगाधर ही शक्तिमान है इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस चीज को इसमें अप्लाई करें, अगर इसमें अप्लाई करें अगर इस कॉन्सेप्ट को, तो देखो बेटा ये दोनों बराबर लंबाई होगी, तो इसको हमने कह दिया कि ये लंबाई हो जाएगी ऊपर वाली डी वन बाई। सिमिलरली ये दोनों भी बराबर बढ़ जाएगी, तो इसको हम कह देंगे डी टू अपॉन टू। तो आपको मैंने जो शीट दी है हीरोन फॉर्मूला की, उसमें काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज है। तो इसमें एक बढ़िया यूज आता है पाइथागोरस थ्योरम का, कि जैसे ये लंबाई अगर डी वन अपॉन टू है, ये लंबाई अगर डी टू अपॉन टू है, इसको सेंटर ओ मान लेते हैं, तो इस ट्राइंगल ओ ए बी में यहाँ 90 बन रहा है, तो ये जो इसकी साइड है ए, अगर हमने इसकी साइड ए ले ली, तो एक रिजल्ट तो ये आता है कि जो साइड का स्क्वायर होता है वो डायगोनल के हाफ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये कह लो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इक्वल्स टू 4a² या ये कह लो इसका अगर रूट कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ डी वन स्क्वायर यानी पहले डायगोनल का स्क्वायर, डी टू स्क्वायर यानी दूसरे डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, ऐसा होता है। तो ये एक रिजल्ट आया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें क्या करते हैं, करते क्या है कि कभी कभी दो डायगोनल्स दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ साइड क्या होगी इसकी। अभी इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दो डायगोनल्स दे के पूछ लेंगे कि साइड क्या होगी, तो साइड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टू टाइम्स ऑफ साइड जो होता है, टू टाइम्स ऑफ साइड, लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि यहाँ ये टू भूल जाते हैं, तो ये टू टाइम्स ऑफ साइड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ साइड, क्या बेटा बोलो बेटा, टू टाइम्स ऑफ साइड, ठीक है। ये गलती मत करना, यहाँ एक सिली मिस्टेक मत करना, लोग करते हैं गलती, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। अच्छा ये एक चीज होगी। दूसरी चीज देखते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा इस ट्राइंगल का एरिया, अरे कोई तो बोलो भाई, कोई तो बोलो, कोई भी जो जगह हुआ हो वो बोलो, कोई भी बोलो कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया। आनंद ने एक रिप्लाई किया है, आज मैं ये देख रहा हूं कितने लोग जगे हुए हैं इसमें। उद्भव ने एक रिप्लाई किया है, ए के वर्मा ने एक रिप्लाई किया है, सत्यम राय ने एक रिप्लाई किया, चार लोग जगे हुए हैं अभी। ओके शैलेंद्र समेत 6 लोग हो गए, 6 लोग जगे हुए हैं अभी। तो ये एरिया आ जाएगा एक ट्राइंगल का डी वन इंटू डी टू वाई। अब ऐसे इसमें चार ट्राइंगल हैं, जो आप चार को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे रोम्बस का एरिया बन जाएगा, पूरे रोम्बस का एरिया बन जाएगा हाफ डी वन इंटू डी टू, ये हो गया अपना रोम्बस का एरिया। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, ठीक है।
अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है। इसके सवाल कैसे बनाए जाएंगे, जैसे मैंने एक सवाल दिया हल्का सा सवाल, इफ टू डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया एंड साइड। कितना होगा बेटा, ट्राई करो जरा इसको, इसको ट्राई करो कोई, कितना होगा? आपने मान लिया चलो डी वन अपना 24 है, टू मान लिया अपना 10, ठीक है, डी वन को 24 मान लिया, डी टू को 10, तो एरिया तो तुरंत आ जाएगा हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू कर, एरिया आ जाएगा तो हाफ 24 इंटू 10 कर दोगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एक चीज होगी। दूसरी चीज देखो, अगर हमें साइड निकालनी है तो टू टाइम्स ऑफ साइड, मैंने ये बताया टू टाइम्स ऑफ साइड होता है इक्वल टू डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। कुछ लोग सही निकाल रहे हैं, कुछ लोग गलत निकाल रहे हैं। तो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर यानी डी वन स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 676 जो कुल 26 का स्क्वायर। तो 2a अपना आ गया, देख लो आराम से 26, तो a आ जाएगा अपना 30। मैंने बेटा बोला है कि लोग यहाँ गलती करते हैं और आपने गलती कर, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने गलती कर दी, मैंने बोला था गलती करते हैं और आपने गलती कर, कई लोगों ने आंसर ठीक बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया, 26 बता रहे थे कुछ लोग, मैंने बोला था गलती करते हैं या आपने गलती कर दी। चलो इसको देखते हैं कौन करेगा, कौन है जो इसको कर पाएगा। मैंने आपको कहा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4√17 है और उसका डायगोनल जो है उसका एरिया जो है वो 12 स्क्वायर यूनिट है, तो आपको उसके डायगोनल्स को निकालना है, यू हैव टू फाइंड देयर डायगोनल्स, निकालो। देखो पेरीमीटर यानी 4a दिया हुआ है, इसी रोम्बस का जो पेरीमीटर होगा वो 4a हो जाएगा, a a a, तो 4a हो जाएगा 4√17, तो a हो जाएगा √17, एक चीज होगी। और एरिया दिया हुआ है 12 स्क्वायर यूनिट यानी हाफ डी वन इंटू डी टू हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ से डी वन इंटू डी टू आ जाएगा 24। अच्छा ए क्या होता है, तो मैंने अभी अभी बताया था तुम लोगों को, 2a जो होता है वो अंडर रूट ऑफ डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, तो आपने 2a रखा, 2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा 2√17 इक्वल्स टू रूट डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना स्क्वायर करोगे तो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इक्वल्स टू 68। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन। अब बेटा जिसको क्वाड्रेटिक नहीं आती है उसको भी ये सवाल सॉल्व करना तो है ही, जिसको आती है उसको तो करना ही है, जिसको नहीं आती उसको भी करना है। तो मैं एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब मैंने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया ट्रिक्स का, मैंने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया, अगर आपने देखा हो ट्रिक्स का, ये चीज है यानी आपको स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों चीजों का, अगर ट्रिक धांसू ना लगे तो बोलो। तो मैंने ये सोचा कि यार स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक तरीका तो ये होता है कि क्वाड्रेटिक बना लो सीधा सा, डी वन को रख दो 24/d, कहां पुट कर दो, यहां पे। और क्वाड्रेटिक बनाए कौन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता नहीं है, तुम लोगों में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों को सॉल्व करना नहीं आता, तो मैंने क्वाड्रेटिक का झंझट ही छोड़ दिया, मैंने कहा कि चलो नहीं बनाते क्वाड्रेटिक। ये ट्रिक्स बड़ी काम की ट्रिक्स होती है बेटा, ये बड़ी काम की ट्रिक्स होती है। देखो चलो इसको मैं नाम दे देता हूं अपना जो नया सेक्शन है, धांसू ट्रिक। देखो कैसे करो, सभी लोगों को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a।
और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। दोनों में देखो स्क्वायर का सम और प्रोडक्ट यूज हो रहा है, स्क्वायर का सम और प्रोडक्ट यूज। तो इसकी इससे प्रेरणा लेके, इससे सीख के हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि डी वन प्लस डी टू का होल स्क्वायर बराबर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर प्लस टू डी वन डी टू। बोलो बेटा ऐसे लिख सकते हो क्या? और इसी तरीके से डी वन माइनस डी टू का स्क्वायर लिख सकते हो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर माइनस टू डी वन डी टू। बोलो बेटा ये चीज भी लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी है आपको, नहीं आती है, आप इस तरीके से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसको उठाया डी वन स्क्वायर प्लस या डी वन प्लस डी टू का होल स्क्वायर उठाया, इसकी वैल्यू रख दी हमारे पास दी हुई है 68 और इसकी वैल्यू दी हुई है 24, तो ये हो जाएगा 48। तो यहां से डी वन प्लस डी टू का स्क्वायर आ गया हमारे पास 68 और 48 कितना होगा ये तो बता दो भाई, जोड़ने से कितना होगा, जोड़ने से कितना हो जाएगा, बताओ 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 कितना हो जाएगा जोड़ने से? 116। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, कमाल कर दिया तुमने। तो यहां से डी वन प्लस डी टू आ जाएगा, इसका अगर रूट कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 116 का रूट आपको क्या देगा? 116 का रूट आपको क्या देगा? मतलब अगर आपको शर्ट्स के फॉर्म में लिखना है तो क्या देगा? एकदम बढ़िया उद्भव, यू आर ऑन फायर। 2√29, तो ये मिल गया डी वन प्लस डी टू। इससे सॉल्व करोगे, इसको उठाओगे डी वन माइनस डी टू का होल स्क्वायर रखोगे, तो यहाँ पे आपने रख दिया 68 और माइनस इस बार करोगे आप 68 माइनस इस बार करोगे आप माइनस करोगे 48, तो ये बचेगा 20। तो यहां से डी वन माइनस डी टू, अब देखो आइडियली हमें मॉडुलस लेना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हो, लेकिन हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपना डी वन कौन सा है डी टू कौन सा है, क्योंकि हमने ये नहीं बोला है कि डी वन बड़ा है डी टू बड़ा है, हमने इसको ऐसे करके ओपन कर दिया, मान लिया चलो डी वन अपना बड़ा है डी टू से, ठीक है ऐसे करके। तो यहां से इसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, तो अब इसका स्क्वायर रूट करोगे कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर रूट शर्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर रूट शर्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे कितना हो जाएगा बेटा? बहुत बढ़िया 2√5। जिसको नहीं आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना उसको मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बचा रहा हूं, मैंने ये सिंपल सा तरीका बनाया है। यहां से डी वन प्लस डी टू इतना मिल गया, डी वन माइनस डी टू इतना। अगर आपको डी वन चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, और अगर आपको डी टू चाहिए तो पहले में से दूसरे को हटा दो। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 2d1 = 2√29 प्लस 2√5। यहां से आ जाएगा डी वन की वैल्यू 2√29 प्लस 2√5। कुछ लोगों का आ रहा था, मैंने देखा था भी कुछ लोगों का आ रहा था 2√21 प्लस 2√5, कुछ लोगों का आ रहा था ये आंसर आ रहा था कुछ लोगों का। और दूसरा वाला आ जाएगा अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने से डी वन और डी वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2d2 = 2√29 माइनस 2√5। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो डी टू आ जाएगा अपना √29 माइनस √5। डी वन और डी टू दोनों डायगोनल्स आ गए, आपने बहुत मेहनत नहीं करी है, देख लो अच्छे से देख लो, एकदम बढ़िया से देख लो, एकदम अच्छे से देख लो। इस फिगर का एरिया निकालो, आपको एक एक डायगोनल चाहिए, आपको पता है एक डायगोनल कैसे मिलेगा, एक डायगोनल आपको चाहिए, आपको पता है एक डायगोनल कैसे मिलेगा, निकालो जरा मिले होंगे, देख कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जो आपको राइट एंगल दिया होगा उस डायगोनल को खींच लो, उस डायगोनल को मतलब इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस खींच लो। तो अगर ये 6 है ये 8 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 10। पाइथागोरस थ्योरम से ये 10 हो जाएगा। अब आपका ये क्वाड्रिलेटरल दो हिस्सों में बट गया है, दो हिस्से कौन से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये ऊपर वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ये एरिया कितना हो जाएगा बताओ,
ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहां से आ जाएगा 24, ये एरिया 24। ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला का अगर यूज करोगे ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए, तो तीन साइड्स दी हुई हैं 12, 13 और 10। मुझे नहीं लग रहा कि इसका एरिया कोई नहीं निकाल पाएगा, मुझे लग रहा है कि इसका एरिया इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से कर दो बेटा। ये ऊपर वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 90 डिग्री है, हाँ ट्रेपेजियम ही है, ट्रेपेजियम ही है। इस क्वेश्चन को और कर दो जल्दी से। क्या आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसमें सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होते हैं? तो अभी आपको केवल और केवल एरिया से मतलब रखो, इसका एरिया क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, बाकी सब क्या होता है, ये सब मैं आपको सर्कल्स में बताऊं। तो इसका फॉर्मूला दिया था ब्रह्मगुप्त ने, तो इसको ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी बोलते हैं, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला ये होता है कि अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। फॉर्मूला बहुत आसान है, इस ट्राइंगल के जो एरिया, ये क्वाड्रेटल का जो एरिया बनेगा वो ये फॉर्मूला इसका होता है। और इसमें एस जो होता है, एस इज द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको आपने ट्राइंगल के केस में भी सेमी पेरीमीटर लिया था, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। तो ये फॉर्मूला होता है। डेरिवेशन वगैरह कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब अगर मैं पीआर में क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा ये डेराइव कैसे करते हैं, किस प्रकार आता है, ये तो पीआरएमयू क्लास में किसी भी बताऊंगा। अभी आपके यूज का केवल इतना ही है कि फॉर्मूला आप इसका ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में साइक्लिक क्वाड्रेटल बनेगा, जिस ऑर्डर में आपकी साइड्स दी हुई है। तो ये क्वेश्चन है, इसका एरिया निकालना है आपको, निकालो जरा कितना आएगा, कितना आंसर आ रहा होगा देख लो, मार दे रहे हैं एकदम। देखो चार साइड्स हैं, ए को ले लिया 100, बी को ले लिया 300, सी को ले लिया 200 और डी को ले लिया 120। तो अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के हाफ कर दो तो 100 प्लस 300 400, 200 600 और 720, तो ऐसा आ जाएगा इसका हाफ यानी 360। तो अंडर एरिया जो बनेगा एस माइनस ए यानी 260, एस माइनस बी यानी 60, एस माइनस सी यानी 160 और एस माइनस डी यानी 240, ये सबका बन रहा होगा। इसमें से 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 4 0 बाहर निकाल लो, जो स्क्वायर है उसको बाहर निकाल दो, यानी 16 बचेगा तो 4 बाहर आ जाएगा। अच्छा और क्या बच रहा है अंदर, ये 26 रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा और वो 24 रह जाएगा, 24 × 6, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। 24 × 6 कितना होता है, 24 × 6 कितना होता है, 144, यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 बाहर आ जाएगा, यानी 4800। अब आपका इफेक्टिवली बाहर आ गया, रूट में रह गया 26। इतना आ रहा था क्या, इतना आ रहा था क्या, देखो